वरिष्ठ पत्रकार फिजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। फिजा, एक अच्छी पहल दोनों मुल्कों की तरफ से शांति बहाल करने की, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब शांति का हाथ बढ़ाया गया है तब तब कुछ ऐसा घटित हुआ है, पीठ में ऐसा खंजर घोपा गया है कि शांति के सारे रास्ते डिरेल हो जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा ऐसी उम्मीद की जाए? बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा और उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा अमन बहाली के लिए काम किया है और हमेशा अमन को ही आगे बढ़ाने की बात की है। क्योंकि संजय सभी की अगर बात की जाए तो ये कहना मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि जब पुलवामा अटैक की बात की जाती है तो आप ही अपने साथी पत्रकार हैं जिनके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी पिछले दिनों, जिनकी व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई। उनकी व्हाट्सएप चैट से भी ये अंदाजा लगा लिया गया था कि पुलवामा अटैक किसने करवाया। मैं यहाँ पर अमन की बात कर रही हूँ तो मैं ये बात नहीं कहना चाहूंगी, ये इल्जाम नहीं लगाना चाहूंगी, लेकिन ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने अपने मुल्क के बारे में हर कोई ऊंची सोच रखता है जो जायज भी है, लेकिन मैं जो पुलवामा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल ने कहा उसको तो मैं और आप नहीं बदल देंगे ना। आप अपने मुल्क की के लिए आप बोलेंगी, मैं अपने मुल्क के लिए बोलूंगी, समझ में आता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाती है, पुलवामा के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराती है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान की सगी है और पाकिस्तान की दुश्मन है, और अगर है तो क्यों है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब हमारी तरफ से अमन बहाली की बात हो रही होती है तो हमेशा ही उस पर सवाल या निशान उठाए जाते हैं, उस पर हमेशा ही बात की जाती है। जब हमने यहाँ से आपके पायलट से रवाना किया तो हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया था कि हम अमन बहाली के लिए काम कर रहे हैं और अमन के लिए हमने कोशिश की, और उसको भी इंडिया ने इतने नेगेटिव तरीके से दिखाया। आपका मीडिया हर वक्त पूछता रहता है, आपका मीडिया हमेशा नेगेटिव बातें दिखाता है पाकिस्तान के लिए। उसमें अगर आप अपने चैनल उठा के देख लीजिए, इमरान खान के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्या कुछ वहां पर आप लोग बोलते हैं, और आप लोग तो प्रधानमंत्री मोदी की खुद कितनी तारीफ करते हैं, कहते हैं काश हमें भी ऐसा प्रधानमंत्री मिला होता। वो सारे वीडियो क्लिपिंग्स जो हैं आपके चैनल्स के मौजूद हैं, हम नहीं कहते हैं वो, और आप खुद कहते हैं कि अगर पाकिस्तान, आपके एक्सपर्ट खुद बैठकर कहते हैं पैनल पे कि अगर आतंक का साथ पाकिस्तान ने अभी नहीं छोड़ा तो ये मुल्क बर्बादी की तरफ चला जाएगा। सऊदी अरब ने तेल देने से, कर्ज देने से मना कर दिया, चीन ने शर्तें रख दी कर्ज देने के लिए, सारी दुनिया अगर आपसे कट रही है तो कहीं ना कहीं कुछ इंट्रोस्पेक्ट तो करना चाहिए। देखिए सारी दुनिया तो ये तो आप करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आपके अपने इंडिया में किसानों के साथ क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है, आपके इंडिया में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन किस बुरी तरीके से हो रही है पूरी दुनिया जानती है, ये बात जो हमारे साथ में अंतर। चलिए, हमारा मीडिया बायस, आपका मीडिया बायस, लेकिन मुझे ये तो बता दीजिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। मैं कह रही हूँ ठीक है, आप अपनी तारीफ कीजिए, अपना दही किसी को खट्टा नहीं लगता, मैंने मान लिया, लेकिन दुनिया को आपके दही में क्यों दिक्कत नजर आती है? हम अपनी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ अमन की बात कर रहे हैं, और अमन की बात जब हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम पुरानी ऐसी बातें नहीं करना चाहते जो दिल पर आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए आप सिर्फ एक, कभी आप अपने आतंकियों को हाउस अरेस्ट में भेज देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जैसे ही आपको कर्ज मिल जाता है फिर से वो आतंकी खुले में घूमने लगते हैं, ये सिर्फ आई वॉश तो नहीं होगा ना फिजा जी? हम भरोसा करने के लिए तैयार हैं, लोग आए हैं, ये बात हमारी एजेंसी सबको बता चुकी है, हमारे पास पूरी रिपोर्ट मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है, फिर वही बात की आपके कितने एजेंट पकड़े जाते हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो मिसिंग पर्सन के नाम पे वहाँ पे हो रही है, उसके पीछे कौन है ये भी आप रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आप हार जाते हैं तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट भी हिंदुस्तान से मिला हुआ है, अमेरिका आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो आपको लतार लगा देता है, सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो आपको तेल देने से, उधार देने से मना कर देता है और कहता है कर्ज जल्द से जल्द चुकाइए, आपको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल देता है, यानी कि सब हिंदुस्तान से मिले हुए हैं जी? आप तो बिल्कुल गलत नहीं है, हिंदुस्तान से मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है, हम ना हिंदुस्तान के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये बातें जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये बातें बिल्कुल सही है, और यही बात हम कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बात के ऊपर अपनी क्या उतार चढ़ाव है वो गवर्नमेंट के फैसले हैं, लेकिन यहाँ के जो आवाम है वो हमेशा अमन बहाली की बात करती है और गवर्नमेंट डिप्लोमेसी लेवल से भी हमेशा अमन बहाली की बात की जा रही होती है। मैं आपकी इस राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि पाकिस्तान का आवाम भी शांति चाहता है और तरक्की चाहता है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये सरकारें कब तक कश्मीर के राग अलाप कर या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरकर अपनी राजनीति चमकाती रहेंगी? फिजा,
एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को जब एक मुल्क के तौर पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारनी चाहिए, आतंक का ये जो धब्बा है इसे हटाना चाहिए और वाकई में जो शांति का हाथ बढ़ाया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उस पर ईमानदारी से चलना चाहिए, तभी पाकिस्तान की तरक्की होगी, पाकिस्तान के आवाम की तरक्की होगी, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसी खुश नहीं रहेगा तो हमारे घर में भी शांति नहीं रहेगी। देखिए, अमन बहाली के लिए तो दोनों मुल्कों को कोशिश होनी चाहिए, तो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश नहीं होनी चाहिए, भारत की तरफ से भी पूरी कोशिश होनी चाहिए। और हमने देखा है मालदीव में बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं जब सीजफायर के बारे में बात हुई है, तो सीजफायर के खिलाफ भी भारत की तरफ से की गई है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों में भी कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आया और फिर उसके बाद भारत का मीडिया भी चिल्लाना शुरू हो जाता है और भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अमन बहाली की राह में रुकावट बन रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लोग कितने बॉर्डर से मारे जा रहे होते हैं उसके बाद। चलिए, हमारे साथ सुरक्षा एक्सपर्ट मौजूद है, हमारे साथ रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि वाकई में जैसा कि ठीक है फिजा की अपने मुल्क के प्रति अपनी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो वाजिब तरीके से निभाएंगी, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने वाकई में शांति के लिए ये समझौते पर दस्तखत किए हैं या फिर एक आई वॉश है खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमन का धन्यवाद देते हैं इस समझौते के लिए, क्योंकि ये अमन का पैगाम अब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये अब पीठ में छुरा घोंपने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। आगे अगर ये चाहे भी तो छुरा नहीं घोंप सकते और इस समझौते में कुछ चीजें ऑटोमेटिक मान ली गई है। पहली, इनका डर कि इन्होंने डीएमओ लेवल की वार्ता की शुरुआत की। दूसरी, इन्होंने ये मान लिया कि हाँ सीज फायर का उल्लंघन करते थे, लिहाजा सीज फायर अब बंद होना चाहिए। और तीसरी, 370 को जो हटाया था वो रिमूवल इन्होंने उसका टैसिट अप्रूवल या साइलेंट अप्रूवल दे दिया। अब जब इनकी ये स्थिति हो गई कि हम कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने शांति का हाथ बटाया। एक डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे आप अपनी बगल से छुरी निकाल दीजिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। बगल की छुरी पाकिस्तान रखता है या हिंदुस्तान? अगर वो बगल की छुरी हिंदुस्तान में रही होती तो तुम्हारी संख्या यहाँ 3 गुना ना बड़ी होती, और चूंकि तुम्हारी बगल में है इसलिए वहाँ पे 23,000 डॉक्टर खान हिंदू। आप तो मजबूर हुए, आपको मजबूर किया गया शांति बहाली के लिए? अमन पसंद की आप? हम ये चाह रहे हैं कि देखें त्यागी जी ने कहा ना कि जी बगल में छुरी और वाकई आप लोगों के है। आप देखें कश्मीर में क्या कर रहे हैं आप लोग, मकबूजा कश्मीर में इंसानों के साथ जुल्म और बर्बरियत फैलाई हुई है आप लोगों ने। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह से ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। पूरी दुनिया ने आपको 370 पर कह दिया, खुद आप मान गए कि हमारा रूही मसला है और फिर से आप राग अलाप रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस बार बात नहीं होगी, आप कश्मीर पर बातचीत नहीं होगी। सदन से हमारे गृहमंत्री ने ऐलान कर दिया ना, आपको समझ में आए ना डॉक्टर खान? इंसानों का और इंसानियत का मसला है। आपको पता है कि आपके कई राजनेता कई मंत्री ये कह चुके हैं, डर है उन्हें इस बात का कि पीओके भी हाथ से ना चला जाए। अपने मुल्क में भी अमन कीजिए।